अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कि आप लोग सब खैरियत से होंगे? और मैं हूँ शगुफ्ता अली, वो कैश सॉल्विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन क्रिएट करने जा रहे हैं 3D वेव के अंदर, और हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन द इमेजेस ग्रिड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा, और इसका सोर्स कोड इंशाल्लाह वी विल आल्सो प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। सो लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले हम HTML पे काम करेंगे कुछ, उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन द CSS, यू नो वेरी वेल। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है वो स्क्रीन पर दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक HTML की, एक CSS की, और इन दोनों को मैंने इंटरलिंक कर लिया है। ठीक है, आप भी सेम ऐसे ही काम स्टार्ट कर लीजिएगा। अब डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू गेट इमेजेस। तो यहाँ पर एटलीस्ट हम 13 या 14 पिक्चर्स लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इतनी भी ले लें। यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे रैपर की, और इस क्लास के अंदर जो है हम एक क्लास आइटम की बना लेंगे। ओके, और इस अब इनके अंदर अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं सिंपल आइटम की। ठीक है, अब क्लास बनाने के बाद गाइज इसके अंदर ही, इस क्लास के अंदर रहते हुए आपने टैब इंडेक्स प्रोवाइड करना है, जो कि हम रखेंगे 0। इसी के साथ साथ हम स्टाइल्स प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि लाइन स्टाइलिंग है। सो यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज का URL प्रोवाइड कर देंगे। इन दी एंड के अंदर अभी हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, सिंपल मैं इसकी एक जगह बना के इसको रख रही हूँ। ठीक है जी, और इस डिफ को यहाँ से बंद कर देंगे। अब करना क्या है गाइस, जितनी भी आपको आइटम रिक्वायर्ड हैं, जितनी भी पिक्चर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, सिंपल आप इसको Ctrl+C से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल आप यहाँ पर इंटर कर देंगे, दैन यू कैन पेस्ट अ मल्टीपल टाइम जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो वन टाइम हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक मोर देन 13 गाइस, तो सिंपल आप इसको फर्दर मोर आगे लेके जा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया HTML। नाउ मूव ऑन दी CSS, और CSS के अंदर सबसे पहले हम यूनिवर्सल, आपको पता है, टैग इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मार्जिन्स यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर पैडिंग रख लेते हैं, जो कि हम फ़िलहाल 0 रख रहे हैं। इसी के साथ साथ गाइज हम बॉक्स साइजिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो कि हम रखेंगे बॉर्डर बॉक्सिंग, और दैन यहाँ तक हमारा काम जो है वो ख़त्म हुआ। अब हम रूट इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ ऐसी इंडेक्स होते हैं जो आपको बार बार अपने फंक्शन के अंदर कॉल करने होते हैं, तो फिर आप उनको रूट में होल्ड कराते हैं। जिस तरह से याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी अगर मुझे बार बार यूज़ करनी है तो मैं उस प्रॉपर्टी को होल्ड करा दूँगी रूट के फॉर्मेट के अंदर। तो ये इजीएस्ट मेथड होता है कि आपको बार बार प्रॉपर्टी कॉल करने की, उसको राइट डाउन करने की नीड नहीं होती है। आप सिंपल उसको एक दफ़ा लिख के एक लिमिटेड सर्कल के अंदर या लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर रख देते हैं, और फिर आप उसको आराम से कॉल करते रहते हैं व्हेन यू फील रिक्वायरमेंट, तो आराम से आप उसको, तो इसलिए हम उन चीज़ों को रूट के अंदर होल्ड कराते हैं। जैसे मुझे ट्रांजिशन बार बार चाहिए होगी, तो उस ट्रांजिशन का एक मेथड मैं बना के यहाँ पर अपने पास रख लूँगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशन कॉल के ट्रांजिशन बना लेती हूँ, और ट्रांजिशन के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द क्यूबिक बेजियर। सो यहाँ पर मैंने क्यूबिक बेजियर इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर्स राइट डाउन कर दूँगी, लाइक 0.1 है, देन डेसिमल या 0.7 है, इसी के साथ साथ 0 एंड देन प्रोवाइड ईयर 1। ठीक है जी, देन क्लोज दिस, इसको गाइज मैं यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ। सो अब जब भी मुझे इनको कॉल करना होगा मैं सिर्फ एक दफ़ा इसका प्रॉपर मेथड लिख दूँगी, ऑटोमेटिकली दे आर कॉल, ये मुझे लिस्ट के अंदर प्रोवाइड कर देगा। बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं कोड ऐड कर रही हूँ, आप भी कोड ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अदरवाइज इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट द कोड,
सो यहाँ पर बॉडी के बाद गाइस हम रैपर ऑल कर लेते हैं। रैपर में सबसे पहले डिस्प्ले को हम रखते हैं ना फ्लैक्स, उसका कोड इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट बी वरी अबाउट द कोड। फ्लैक्स के बाद मैं सिंपल अलाइन आइटम यहाँ पर सेंटर कर देती हूँ, सो मैं इसको सेंटर ले लेती हूँ। इसी के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट को भी आप सेंटर कर देंगे, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द हाइट। तो हाइट हम 100 VH रख देते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं आइटम्स के ऊपर, और पहले आइटम्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे देन फिर आफ्टर आइटम्स पे। ओके, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स, इसी के साथ साथ गैप हम रख देते हैं 0.4 REM। इसी के साथ साथ पर्सपेक्टिव वैल्यू मैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, उसी के साथ साथ कुछ जो है वो वैल्यूज राइट डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर हमने इंडेक्स बना के रखा है, ये देखें। सो ये बेनिफिट होता है कि आपको वो पूरा मेथड राइट डाउन करने की, पूरी प्रॉपर्टी राइट डाउन करने की नीड नहीं है, सिंपल आपने उसको एक ही सिंगल आइटम में कॉल कर दिया। तो हम आते हैं आइटम्स की साइड पर, सबसे पहले वेब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल, इसी के साथ साथ इंडेक्स, एंड आफ्टर दैट यू आल्सो यूज मल्टीप्लाई बाय 3। मूव ऑन द नेक्स्ट, हाइट के अंदर भी हम यही करेंगे, और हमने जो मेथड डिक्लेयर किया है उसी के अंदर वेरिएबल कॉल कर लेंगे, और वेरिएबल के अंदर ही हम अगेन इंडेक्स का जो मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया था टॉप पे, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं, ठीक है जी। तो हाइट और वेथ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर निकल आएगी। सो इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ से कलर कोड इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यर द बैकग्राउंड साइज एंड अ कवर, क्योंकि हम वहाँ पर पिक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड साइज कवर में होल्ड करा देती हूँ, ठीक है जी। इसी के साथ 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 जो है वो बैकग्राउंड पोजीशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना सेंटर। सो मुझे पोजीशन जो है वो इसकी सेंटर में रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर सेंटर इम्प्लीमेंट कर दूँगी। इसी के साथ साथ बिकम अ कर्सर को पॉइंटर बना देंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फिल्टर, क्योंकि फ़िलहाल जब माउस लेके जाए तो वो इम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ पर मैं ग्रे स्केल को 1 रख देती हूँ। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर ब्राइटनेस जो है वो उसको मैं 0.5 रख देता हूँ, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं ट्रांजिशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो ट्रांजिशन पर आके ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर आप 1.25 सेकेंड्स इम्प्लीमेंट करेंगे, दैन प्रोवाइड हियर द वेरिएबल जो कि हमने ट्रांजिशन का बनाया था। यहाँ पर मैं वेरिएबल ट्रांजिशन का कॉल कर दूंगी। ओके, इसी के साथ साथ गाइज आपने कॉमा लगाना है, और कुछ और ट्रांजिशन हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए मैंने कॉमा दे दिया है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर फिल्टर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। फिल्टर गाइज में 3 सेकेंड्स पर इम्प्लीमेंट होगा, और वेरिएबल के अंदर अगेन हम ट्रांजिशन ले लेंगे हमने टॉप पे बना के रखी थी, ठीक है जी। अगेन प्रोवाइड योर कॉमा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर विद पर आ जाते हैं, क्योंकि विद और हाइट पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे 1.25 सेकेंड्स। प्रोवाइड योर अगेन वेरिएबल एंड ट्रांजिशन, सो यहाँ पर आई आल्सो इम्प्लीमेंट ट्रांजिशन, ठीक है जी। इसी के साथ इसको क्लोज कर देंगे हम ट्रांजिशन। ओके, देन आफ्टरवर्ड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट विल चेंज, और विल चेंज के अंदर ट्रांसफॉर्म कॉमा फिल्टर, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी व्हेन यू आर इम्प्लीमेंट रोटेट रोटेट वाई एक्सेस, एंड देन आफ्टर इम्प्लीमेंट होगा विद के ऊपर।
ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, जो कि है आइटम बिफोर। सूडो क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कंटेंट ले लेंगे हम, और कंटेंट को गाइस यहाँ पर हम एम्प्टी रखेंगे। इसी के साथ साथ पोजीशन को एब्सोल्यूट रख लेंगे, और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हाइट ऑफ द इमेजेस। अच्छा, इन द एंड हम पिक्चर्स भी लेंगे 100%, एंड द विड इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंट 20px। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं, क्योंकि पिक्चर्स ज़्यादा हैं, दैट्स वाई। राइट, कैलकुलेट वेरिएबल एंड देन इम्प्लीमेंट हेयर द इंडेक्स। ठीक है, जिसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई -1। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। हम आते हैं आइटम आफ्टर पर, और यहाँ पर लेफ्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे कैलकुलेट वेरिएबल इंडेक्स मल्टीप्लाई -1। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं आइटम। पहले मैं आइटम्स लूँगी, इसी के बाद गाइज हम सिंपल आइटम ले लेंगे। इम्प्लीमेंट हियर द होवर व्हेन यू आर टेक योर माउस, तो फिर ऑटोमेटिकली वो फिल्टर इम्प्लीमेंट कर देगा जो हमने प्रोवाइड किए हैं ऊपर। इसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म करेगा ट्रांसलेट जेड एक्सेस। अगेन फंक्शंस आपने बना के ऊपर रखे हुए हैं, सो इसमें कैलकुलेट देन वेरिएबल, देन वेरिएबल के अंदर आपने इंडेक्स इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है जी, इसी के साथ आप बाहर आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 10। ओके जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। प्रोवाइड हियर अगेन आइटम्स आइटम, देन इम्प्लीमेंट हेयर। सबसे पहले होवर इम्प्लीमेंट, अच्छा यहाँ पर मैंने होवर इम्प्लीमेंट किया सबसे पहले। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट होवर्स ऐड करती जाऊँगी, तो यहाँ पर होवर पर आएंगे आप, कि आपने बाकी की जो है वो वेरिएबल्स डेटा के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स व्हाई। सो मैंने मल्टीप्लाई और प्लस का साइन इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले प्रॉपर्टी फिल्टर इनहेरेंट इसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ऑन द जेड एक्सेस कैलकुलेट वेरिएबल एंड प्रोवाइड हियर द इंडेक्स मल्टीप्लाई 8.5। देन आप इससे बाहर आ जाएंगे रोटेट ऑन दी वाई एक्सेस, और यहाँ पर आप एंगल प्रोवाइड कर देंगे। हम यहाँ पर 35 डिग्री राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, सो आई एम गोना राइट हियर 35 डिग्री। इसी के साथ साथ जेड इंडेक्स पर आता है और -1 इसको होल्ड कराते हैं। ठीक है जी, अब इस तरीके से -2 -3 बाकी के जो भी फिल्टर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे उसके ऊपर आप एड ऑन करते जाएंगे। अच्छा, मैं सिंपल इसी को कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉपी नहीं करी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली हर आइटम को चेंज करना पड़ेगा, तो बेटर यही है कि मैं उसको साथ ही इसी में ऐड कर देती हूँ। सो यहाँ पर होवर, अच्छा होवर के बाद गाइस अब अगेन प्लस देन मल्टीप्लाई फिर प्लस देन मल्टीप्लाई इंटर कर देंगे यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके से आपने उसको कॉल करना है। ठीक है,
प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई एंड देन अब यहाँ पर जो फिल्टर इम्प्लीमेंट करेंगे ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो इनहेरिट। इसी के साथ साथ अब जो आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इम्प्लीमेंट करेंगे वो अगेन ट्रांसलेट जेड होगा, बट फिर आपको यहाँ पर मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, एक तो कैलकुलेट एंड देन प्रोवाइड हियर द वेरिएबल। सो वेरिएबल के अंदर यू आल्सो प्रोवाइड हियर द इंडेक्स एंड देन इसी से बाहर आके मल्टीप्लाई इसका जो यूनिट है वो चेंज कर देंगे 5.6 एंड देन रोटेट जो वाई है उसको आप 40 डिग्री रख लेंगे। ये एंगल रखा हुआ आ रहा है इसको मैं हटा देती हूँ। ओके जी, सो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे जेड इंडेक्स -2। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट, प्रोवाइड हियर अगेन आइटम्स, देन आइटम होवर। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अब अगेन आपने प्लस मल्टीप्लाई प्लस 3 दफ़ा आपने इम्प्लीमेंट करना है मल्टीप्लाई एंड प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है जी, नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट। सो अब यहाँ पर आके अगेन वही फिल्टर इनहेरेंट, सॉरी नॉट इनवर्ट, इनहेरिट। इसी के साथ साथ अगेन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट अगेन जेड, कैलकुलेट वेरिएबल जेड इंडेक्स अगेन मल्टीप्लाई। सो प्रोवाइड हियर 2.5 एंड देन रोटेट वाई सो रोटेट वाई पर आकर गाइज यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं 30 डिग्री। ठीक है जी, अगेन आइटम्स आइटम बिफोर बल्कि होवर नॉट द बिफोर। अच्छा यहाँ पर गाइज मैं जेड इंडेक्स प्रोवाइड क्योंकि हमने ऊपर किया यहाँ नहीं किया तो यहाँ पर हम जेड इंडेक्स -3 रख देते। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पर 4 है तो 4 में ऑब्वियसली 4 टाइम्स आपने जो है वो प्लस ऐड करना है मल्टीप्लाई के साथ, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। सो प्लस 1, 2, 3 एंड देन 4। ठीक है जी, अगेन write it down here the filter inherit। इसी के साथ साथ implement कर देंगे transform and then again translate z implement कर देंगे और translate z पे वही method calculate then write it here the variable and again provide here the z index so multiply here 0.6। ठीक है जी, एंड देन इसे बाहर आ जाए तो यहाँ पर रोटेट वाई और रोटेट वाई के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं 15 डिग्री। ओके, जेड इंडेक्स -4। ठीक है जी, सो यहाँ तक हमारा मेथड कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड के साइड पे और यहाँ पर भी अगेन अब हमने होवर दिया है तो अब हम हैस होवर इम्प्लीमेंट कर देंगे सेम प्रोसीजर के ज़रिए। ठीक है जी, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। सबसे पहले आइटम्स, सेम मेथड रहेगा आपका, तो यहाँ पर सबसे पहले आइटम्स पर आ जाएंगे देन फिर आइटम होवर, बल्कि आइटम होवर से पहले अब मैं यहाँ पर आइटम पे हैस सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर दूंगी। ओके, ठीक है जी, इसी के साथ साथ अब करना क्या है, अब ब्रैकेट लेना है और ब्रैकेट के अंदर यू कैन एडिट हेयर प्लस इम्प्लीमेंट होवर
एंड देन आपने यहाँ पर नेक्स्ट मेथड इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, यहाँ पर गैप नहीं होता क्योंकि वो एरर दे रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस फिल्टर, फिल्टर वही इनहेरिट रहेगा, और इनहेरिट के बाद अगेन यू कैन इम्प्लीमेंट द ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म में रोटेट ट्रांसलेट सॉरी जेड है, और फिर वही मेथड जो आपने इम्प्लीमेंट किया टॉप पे 8.5 आएगा, फिर 5.6 एंड देन फिर 2.5। ठीक है, तीनों मेथड आपने सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेना। इफ़ यू वांट टू कॉपी, अदरवाइज आप एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पर वन बाय वन इसको एडिट कर लेते हैं। सो अगेन कैलकुलेट मेथड एंड देन राइट इट हियर द वेरिएबल। सो वेरिएबल के अंदर यू कैन राइट इट हियर द इंडेक्स, देन मल्टीप्लाई 8.5। इसी के साथ साथ राइट इट हियर द रोटेट वाई। सो रोटेट वाई के अंदर हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं -35 degree। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट मेथड। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा इंडेक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो अगेन अच्छा, मैं इसी क्लास को कॉपी कर लेती हूँ, ये तो इजी हो जाएगा आपके लिए। आप इसी क्लास को कॉपी कर लें ऊपर वाली को जो आपने बनाई के रखी है, ताकि फिर बार बार हमें इस पूरे मेथड या पूरे प्रोसीजर को राइट डाउन करना नहीं पड़ेगा। बस सिंपल मुझे ऐड ऑन करना है तो मैं फिर ऐड ऑन करती रहूँगी। लाइक कहाँ पर ऐड ऑन करना है, प्लस के बाद यू कैन राइट इट हियर अगेन मल्टीप्लाई एंड देन यू कैन टेक इट हियर प्लस अगेन। ठीक है, क्योंकि एक प्लस आप इस प्रॉपर्टी को ऐड ऑन करने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो अगेन फिल्टर इनहेरिट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जेड। सो अगेन पहले कैलकुलेट एंड वेरिएबल एंड देन इंडेक्स। ठीक है जी, तो ये मेथड है। इसी के साथ यू कैन राइट इट हियर द मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 5.6 कर देंगे एंड देन अब आप आ जाए रोटेट वाई पे, और यहाँ पर -40 degree को आप माइनस पे लेके जाएंगे। तो यहाँ मैं इसको -40 degree राइट डाउन कर दूँगी। ठीक है, मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम लाइक दैट। इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करके रखा हुआ है हमने। सो अब यहाँ पर अगेन आपने 3 plus देने हैं और 2 multiply। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई एंड आखिर में प्लस। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोसीजर। अगेन यू राइट इट हियर द फिल्टर। अब तो ऑब्वियसली याद हो गई है इनहेरिट। सो इजी मेथड है, बार बार लिखते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्लियर हो जाएगी। ट्रांसलेट जेड एक्सेस कैलकुलेट then variable then index। इसी के साथ साथ write it here the diameters, provide here the 2.5 value and after that we are going to write it here the rotate y -30 degree। इसका angle रखेंगे हम, मैं इसको remove कर देती हूँ -30 degree। ओके, इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर अब हमने आई थिंक 4 इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, 4 ओके रहेगा। मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 2 एंड प्रोवाइडेड इट हियर 3, और आपके प्लस आप फोकस रखिएगा, प्लस आपके 4 होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने प्लस पे फोकस रखा है और 3 मेरे पास मल्टीप्लाई है। मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ अब अगेन फिल्टर इम्प्लीमेंट कर देते हैं इनहेरिट। इसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जेड अगेन कैलकुलेट वेरिएबल इंडेक्स। ठीक है जी, देन प्रोवाइडेड हेयर मल्टीप्लाई 0.6 या सिंपल 0.6 भी लिखते हैं तो नॉट अ बिग डील।
0.6 again rotate y axis. सो एंगल मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ आई थिंक माइनस 15 डिग्री रख के चेक करते हैं इफ वी रिक्वायर्ड द चेंजेस तो फिर हम कर लेंगे अदरवाइज इसको जाने देंगे मूव ऑन दी नेक्स्ट हम आते हैं आइटम्स पे आइटम्स पे आने के बाद अब आप आएंगे आइटम पे और फिर आप एक्टिव की क्लास को ऐड करेंगे कॉमा लगा दें इसी में एक और क्लास मर्ज कर रहे हैं आइटम्स और जो कि क्लास है आइटम होवर की जो बनी बनाई है उसको डिडेक्ट कर लें ओके जी कुछ चीज़ें दोनों में सिमिलर हैं सबसे पहले हेल्थ की विद विद इम्प्लीमेंट करेंगे 28 व्यू पोर्ट इसी के साथ साथ फिल्टर इनहेरेंट एंड आफ्टर दैट जेड इंडेक्स इम्प्लीमेंट कर देंगे हम जो कि है 100 सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म अगेन ट्रांसलेट वाई ट्रांसलेट सॉरी नॉट इम्प्लीमेंट द वायर्स इज दैट एंड देन कैलकुलेट प्रोवाइडेड हियर द वेरिएबल जेड इंडेक्स बल्कि इंडेक्स जो हमने बना के रखा हुआ है उसको जेड इंडेक्स नहीं देता यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं अच्छा ठीक है सो यहाँ तक इसका मेथड कंप्लीट हो गया इसी में अब मैं मार्जिन ऐड कर लेती हूँ जो कि है 0.45 ठीक है जी मूव ऑन दी नेक्स्ट अच्छा यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया अब हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे images so हम आते हैं इंडेक्स पर वन बाय वन पिक्चर्स लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड देन यहाँ पर उसको पेस्ट करते हैं सो गाइस हम एक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पर सिंपल हम वन बाय वन पिक्चर्स गेट करते हैं सो मैं कॉपी इमेज एड्रेसेस करूँगी और वन बाय वन आई एम गोना पेस्ट इट हेयर कंट्रोल वी से इस तरीके से मूव ऑन दी नेक्स्ट पिक्चर वन बाय वन हम इनमें पिक्चर्स ऐड करते रहते हैं सेकेंड इमेज कॉपी इमेज एड्रेसेस मूव ऑन दी नेक्स्ट पिक्चर इस तरीके से आप एक दफ़ा ही पूरा प्रोसीजर डिज़ाइन कर लें सो एक दफ़ा ही आप पूरा प्रोसीजर जो है वो डिज़ाइन कर लें गाइस और फिर वन बाय वन आप पिक्चर को कॉपी करके पेस्ट करते रहें तो यहाँ पर अगेन वन बाय वन पिक्चर यहाँ पर ऐड ऑन करते रहते हैं सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इमेजेस हैं और सबसे अच्छी बात है इन हायर रेजोल्यूशन तो फिलहाल हम इन पिक्चर्स को वन बाय वन कॉपी कर लेते हैं और फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं गाइस अब जो है आपसे रिजल्ट शेयर करते हैं क्योंकि हमारा कोड कंप्लीट है सो डोंट बी वरी अबाउट दिस सोर्स कोड कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सोर्स कोड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसको रन करा के चेक करते हैं दैन वी आर गोइंग टू शो द रिजल्ट विद यू द मार्वलस रिजल्ट सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अफेक्टिव रिजल्ट देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग 3D वेव जो है वो क्रिएट हो रही है आफ्टर होवर इफेक्ट सो आई होप गाइस लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा सो वीडियो को लाइक करना शेयर करना गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़